हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुप्रीत और आप देख रहे हैं बॉनिफाइड रिव्यूज़। मैं रिव्यू करती हूँ नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, फूड्स, रेस्टोरेंट्स, हॉलीडे डेस्टिनेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। जब से मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया है, आई हैव सीन द डिफरेंस, नो मोर सरप्राइजेज। वो एक हेयर सीरम है। मेरे बाल बहुत ही फ्रिजी हैं क्योंकि मैंने दो बार हेयर ट्रीटमेंट कराया है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, तो उससे बहुत ही डैमेज हो गए थे मेरे हेयर। और अभी भी जब भी वेन एवर आई यूज़ हॉट ब्रश या फिर फ्लैट आयरन, थोड़ा टाइम तो स्मूथ रहते हैं लेकिन उसके बाद बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। एक ब्रांड नया तो नहीं, दो तीन साल हो गए हैं ऐसे इंडियन मार्केट में। मैंने ये नायका पे देखा ये ब्रांड, उसका नाम है इनातुर। उसका हेयर सीरम आई हैव ट्राइड एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड लाइफ चेंजिंग। उसका बॉटल कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज इनातुर मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर सीरम, न्यूट्री हाइड्रेंट, रिपेयर्स एंड मॉइस्चराइजेस, कंट्रोल्स फ्रिजी हेयर, स्टाइल्स एंड प्रोटेक्ट्स। कंपनी क्लेम करती है कि इनातुर मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर सीरम इज अ नेचुरल स्टाइलिंग एंड एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट दैट क्रिएट्स एक्सेप्शनल शाइन। इट इज लाइट वेट एंड स्प्रेड्स इवनली एंड एफर्टलेसली। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स। इसे यूज कैसे करना है, डायरेक्शंस टू यूज, टेक सीरम ऑन टू पाम एंड जेंटली स्लाइड फ्रॉम द मिडल लेंथ टू द एंड ऑफ द हेयर। कैन बी स्प्रेड ऑन डायरेक्टली ऑल्सो इन केस ऑफ एक्सेसिव ड्राई एंड फ्रिजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही लाइट वेट है। आपको सिर्फ अपने हथेली में एक दो बार स्प्रे करना है, अपने हथेली में आपको रब करना है, देन अपने बालों को बीच में से एंड तक आपके आपको अपने बालों पे लगाना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज बाल है, तो आप डायरेक्टली भी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे इसकी क्वांटिटी है 100 मिलीलीटर और इसका प्राइस है 550 रुपीज़। इसका प्राइस पहले तो ख़रीदते टाइम तो मुझे लगा कि 550 है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते, सारे हेयर सीरम इसी रेंज में आते हैं। बट हाँ, 550 सुनते ही लगता है कि 550 आप स्पेंड कर रहे हैं तो इज़ इट वर्थ, क्या ये काम करेगा, या बाकी हेयर सीरम्स की तरह आपके बालों को चिपचिप या बहुत ही ज़्यादा स्टिकी बना देगा। बट नहीं, आई एम सो हैप्पी विद दिस हेयर सीरम। आई डोंट नीड, वेन एवर आई स्टाइल, वैसे तो आई डोंट नीड टू स्टाइल माई हेयर बिकॉज ये लगाते ही दे आर सो मच इन कंट्रोल और इतने स्मूथ सिल्की दिखते हैं कि आपको स्टाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जब भी किसी स्पेशल पार्टी या वेडिंग के लिए आई स्टाइल माई हेयर, तो वो फ्रिजीनेस कंट्रोल करने के लिए आई जस्ट मैं हाथों में लिया और थोड़ा सा लगाया एंड आई एम डन। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद मेरे बाल बहुत ही चिपकू या ऑयली दिखेंगे या बहुत ही कम टाइम के लिए ये काम करेगा। ये बहुत अमेजिंग है, काफ़ी टाइम के लिए आपके बालों पे रहता है, बाल बहुत ही स्मूथ शाइनी, नेचुरली शाइनी दिखते हैं। और सिर्फ टेम्प्रेरी नहीं, इट हैज़ हेल्प मी टू इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ माई हेयर, द इम्प्रूव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई हेयर। इससे बाल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो भी रहे हैं, सिर्फ टेम्प्रेरी दिख नहीं रहे हैं, आई कैन फील द डिफरेंस इन माई हेयर। और इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है कि कई बार हमें टाइम नहीं मिलता है हेड वॉश करने का, तो गर्मियों के कारण पसीने का स्टिंग आने लगता है। तो भी अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, किसी पार्टी में, डेट पे जाना है, ऑफिस की किसी मीटिंग में बहुत इमरजेंसी जाना है, तो जस्ट थोड़ा सा लीजिए, बालों पे रब कीजिए और आपके बाल इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसे लगता है आपने परफ्यूम लगाया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल है, 2 साल तक। इनफैक्ट बॉटल, मतलब मोस्टली क्या होता है, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आप सिर्फ 1 साल तक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ये प्रोडक्ट आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मेन खूबी ये है, इनफैक्ट इनातुर के सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखा है, उनकी मेन खूबी है कि इनमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है, ये 100% केमिकल फ्री है, 100% वीगन है। वीगन मीन्स, वीगन वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कोई भी मिल्क या कोई भी मिल्क नहीं, जिनमें एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे मिल्क भी हम एनिमल से ही लेते हैं, तो कोई भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ कोई नहीं है इसमें।
और ये नो एनिमल टेस्टिंग है, इन्हें एनिमल्स पे टेस्टिंग नहीं की गई है, और नो SLS, नो पैराबेंस, नो हार्मफुल केमिकल्स, कुछ नहीं है इतने, इतना इट इज़ भगवान जी ने साक्षात बनाया है, मेरे लिए तो बनाया है स्पेशली बिकॉज आई बीन लुकिंग फॉर अ गुड हेयर सीरम फॉर सो लॉन्ग नाउ, क्योंकि मोस्टली जो भी हेयर सीरम्स मार्केट में आते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो स्टाइलिंग तो यस वी कैन यूज दैट इन स्टाइलिंग बट वो हार्म करते हैं हमारे बालों को, और बाल टेम्परेरीली ठीक रहते हैं बट लॉन्ग रन पे अगर आप उन्हें साल दो साल यूज करते हैं तो बाल और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, आपके बाल डिपेंडेंट हो जाते हैं वो हेयर सीरम पे। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, एक ऑयल जैसी, और एक सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं एक हेयर सीरम जैसी, जो कि बालों को कंट्रोल भी करता है और बालों में शाइन भी आती है। आई यूज दिस ऑन माई हजबेंड्स हेयर एज वेल बिकॉज ही कलर्स हिज हेयर स्टाइल, बट विद दिस आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस हेयर सीरम। तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड टू ऑल दोज पीपल जिनको प्रॉब्लम है फ्रिजी हेयर की, या ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं जो आजकल कॉलेज गोइंग गर्ल्स या ऑफिस में जब हम जाते हैं तो ज़्यादा स्टाइलिंग होती है हमारे बालों की, आई वुड रेट दिस प्रोडक्ट एज 100 आउट ऑफ 10, नॉट इवन 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 10। ये दिस इज़ एन अमेजिंग हेयर सीरम एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाद मेरी तलाश ख़त्म हो गई है एक अच्छे हेयर सीरम की। आई एम सॉरी आई एम डन, आई एम सो हैप्पी विद दिस हेयर सीरम की आई विश कंपनी ये हेयर सीरम बनाना बंद ना करे कभी भी, क्योंकि ये यूज़ करने के बाद आई डोंट थिंक मैं कोई भी और हेयर सीरम इसके ऊपर प्रेफर करूँगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, देखते रहिए बॉनिफाइड रिव्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। Thank you so much.